तो आज के इस वीडियो की शुरुआत थोड़ी नई होने वाली है क्योंकि मैं तुमको एक मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ जिसको तुमको देखना ही चाहिए। मूवी का नाम है 12th Fail जो कि तेजस के साथ क्लैश हुई थी और 12th Fail मूवी पे मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इस मूवी को मैंने बहुत लेट देखा। तेजस को मैं देखा जल्दी, वो मेरा बहुत ज्यादा गलत फैसला था। इसकी जगह पे मुझे 12th Fail को पहले देख लेना चाहिए था, इसका वीडियो भी पहले आ जाता तो मैं ये वाले वीडियो में 12th Fail के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही मैं तेजस के बारे में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें तेजस मूवी को क्यों नहीं देखना है, 12th Fail मूवी को क्यों देखना है। तो फटाफट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लो क्योंकि इसमें तुमको ऐसी धमाकेदार न्यूज देखने को मिलने वाली है जिसके बारे में शायद अभी तक तुमको पता नहीं है। तो बॉलीवुड में कई सारी चहल पहल चल रही है जिसमें से मैं तुम लोग के लिए बहुत सारी न्यूज लेके आया हूँ, तो फटाफट सुन लो भाई। तो अब भाई बोल ही दिया है तो सबसे पहले भाई की पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब टाइगर 3 के बारे में। तो तुमको पता होगा 12 नवंबर के दिन पिक्चर आ रही है लेकिन अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं है। तो एडवांस बुकिंग के बारे में सुन लो भाई लोग, 5 नवंबर के दिन से एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है टाइगर 3 की। अगर तुम पिक्चर देखना चाहते हो तो 5 नवंबर के दिन टिकट बुक कर लेना। तो भाई की पिक्चर के बारे में तो तुमको बता दिया, लेकिन अब बात करेंगे किंग खान के पिक्चर के बारे में, मतलब डंकी के बारे में। डंकी आ रही है 25 दिसंबर के दिन और अब तक तो इसका टीजर आ जाना चाहिए था, टीजर आखिर है किधर? मैंने तुमको पिछले वाले एपिसोड में बता दिया था कि 2 नवंबर के दिन टीजर आ सकता है, जो कि सच हुआ क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे आता है 2 नवंबर के दिन। तो टीजर तो आने वाला है 2 नवंबर के दिन, ये तो कंफर्म है कि आएगा टीजर, पर एक नहीं दो टीजर आने वाले है। सबसे पहले हमको दिखाया जाएगा कुछ 3 सेकंड का टीजर और जो सेकंड वाला टीजर जो सेंसर बोर्ड से पास हो चुका है वो भी हमको इसी महीने के अंदर शायद एंड में देखने को मिले। और सॉरी 53 सेकंड का टीजर नहीं था पहला वाला, 58 सेकंड का टीजर है जो कि हमको 2 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा। और जो इनका सेकंड वाला टीजर होगा डंकी का, उसकी लेंथ काफी ज्यादा ठीक ठाक है, मतलब 1 मिनट 49 सेकंड का टीजर होगा। डंकी को बना रहे राजकुमार हिरानी और राजकुमार हिरानी की पिक्चर शाहरुख के साथ पहली बार होगी भाई, दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है भाई ये पिक्चर अच्छी होने वाली है, ये पिक्चर भी जाएगी 1000 करोड़ के पार। तुम भी क्या सोचते हो फटाफट कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो करना चाहते हो कर लो यार, लाइक डिसलाइक जो पसंद आता है तुमको वो कर लो। अगली न्यूज की बात करें तो शाहिद कपूर की तरफ से आती है जिनकी देवा पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पिक्चर में कुबरा सईद की भी एंट्री हो चुकी है। ये पिक्चर तुमको अगले साल देखने को मिलेगी और शाहिद का जो लुक है भाई वो अच्छा लग रहा है पिक्चर में। अब हमारा कबीर सिंह फिर से जागेगा या नहीं जागेगा इस पिक्चर में पता चलेगा। और तुमको ये पता होगा कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि आशिकी 3 बन रही है और इसको बना रहे हैं अनुराग बासु, मतलब पिक्चर के डायरेक्टर होंगे अनुराग बासु और पिक्चर के हीरो होंगे कार्तिक आर्यन, पर पिक्चर की हीरोइन कौन होगी इसके बारे में हमको नहीं बताया गया था, कहीं पे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिसेंटली तारा सुतारिया और कार्तिक आर्यन को साथ में देखा गया तो लोगों ने ऐसी थ्योरीज बनाना चालू कर दिया कि आशिकी 3 में तारा सुतारिया की एंट्री हो चुकी है, पर मेकर्स ने इसके बारे में कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन मैं तुमको कहना चाहूंगा कि तारा सुतारिया इस पिक्चर की पार्ट होगी और कुछ ही समय में मेकर्स जो है इसके बारे में ऑफिशियली बताएंगे तुमको, पर तब तक के लिए वेट कर लो। अगली न्यूज आती है कॉप यूनिवर्स की मूवी सिंघम अगेन के बारे में जिसको बना रहे हैं रोहित शेट्टी। भाई ये जो है ना हर हफ्ते कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते ही जा रहे हैं। अपनी जो सीरीज है मतलब जो सिंघम इनकी जो सीरीज है इसमें नए नए कैरेक्टर्स को ऐड करते ही जा रहे हैं। अभी तक हमको पता था कि सिंघम अगेन का पार्ट होने वाले हैं अजय देवगन, करीना कपूर, फिर बाद में हमको बताया गया कि दीपिका पादुकोण भी इसकी पार्ट होगी और तभी अनाउंस किया गया टाइगर श्रॉफ भी इसका पार्ट होंगे और अब अनाउंस कर दिया कि सिम्बा भी पिक्चर में आ रहा है। और अभी एक और अनाउंसमेंट बची है, मैं तुमको गारंटी देकर बता रहा हूँ कि सूर्यवंशी भी इसमें होगा, मतलब अक्षय कुमार, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी कन्फर्म हो जाएगा और मैं तुमको बता रहा हूँ सच में है भाई, यकीन करो थोड़ा सा। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो तुमको जो अगली न्यूज बताने वाला हूँ काफी ज्यादा खतरनाक न्यूज है। सूर्या की अगली पिक्चर अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है सूर्या 43 और लीड रोल में तुमको दिखने वाले है सूर्या, दुलकर सलमान और विजय वर्मा। तो भाई कास्ट तो एक नंबर लगी मुझे, पिक्चर कैसी होगी ये तो तुमको बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी तो बस बनना चालू हुई है और मेरा काम है तुमको बताना कि क्या क्या चल रहा है इधर। और इसी के साथ कमल हसन की भी मूवी आने वाली है जिसका नाम है इंडियन 2, उसका तुमको एक ग्लिम्स वाला वीडियो देखने को मिलेगा। फिल्म के मेकर्स 3 नवंबर के दिन इस पिक्चर का एक इंट्रो देने वाले है और मैं तुमको बता रहा हूँ ये पिक्चर भी अच्छी खासी होगी क्योंकि इंडियन अच्छी थी। फिर अपन अगर अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा क्या छोटी छोटी न्यूज दे रहा है, तो भाई छोटी है लेकिन धमाकेदार न्यूज है, अगली वाली सुनो। 2 नवंबर के दिन शाहरुख की पिक्चर जवान ओटीटी पे आने वाली, मतलब नेटफ्लिक्स पे आएगी, ये होगी एक्सटेंडेड कट वर्जन वाली। सिंपल भाषा में बोलूं जो थिएटर में तुमने पिक्चर देखी है उसमें से कई सारे सीन्स कट चुके थे जो कि ओटीटी पे तुमको दिखाए जाएंगे। इस तरीके से तुम समझ लो कि बिना कट वाली मूवी तुमको देखने को मिलेगी। तो 2 नवंबर के दिन पिक्चर आने वाली, इसका भी रिव्यू करेंगे अपन, तो चैनल को सब्सक्राइब, कुछ ज्यादा ही बार नहीं बोल दिया मैंने,
अब इतनी बार बोल ही दिया तो भाई तुम्हारा काम बनता है यार, कर दो सब्सक्राइब। और अपन थोड़ा और आगे बढ़े तो दिसंबर महीने में अगर पहुंच जाए, आज से ठीक एक महीने बाद 1 दिसंबर के दिन एनिमल आने वाली है। ऐसी खबरें चल रही भाई मार्केट में, पिक्चर जो है वो 3 घंटे से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है, मतलब 3 घंटे और 10 मिनट। तो अच्छी खासी लेंथ के साथ पिक्चर को बनाया गया है और मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस पिक्चर को देखने के लिए, क्योंकि जो संदीप रेड्डी वांगा है उन्होंने हमारे बॉलीवुड के 2 चॉकलेट बॉयस को एकदम मॉन्स्टर बॉयस की तरह बना दिया है। और ऐसा देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा भाई, कबीर सिंह में जो वाट लगाई थी ना वही एनिमल में उससे ज्यादा डबल लगेगी। डायरेक्टर तुमको प्रॉमिस कर चुका है कि वो तुमको वायलेंस बताएगा, तो मैं वो वायलेंस देखना चाहता हूँ। अब बढ़ते अपन अगली न्यूज की तरफ, जो कि आती है पिप्पा मूवी की तरफ से। ईशान खट्टर की ये मूवी है, थिएटर में रिलीज होने वाली थी और 75 करोड़ का बजट था पिक्चर का। लेकिन तुम्हें जान के काफी ज्यादा शॉकिंग लगेगा कि Amazon Prime ने इस पिक्चर को खरीद लिया है और फिल्म के जो मेकर्स है उन्होंने डिसीजन लिया है कि पिक्चर को थिएटर में ना रिलीज करते हुए Amazon Prime पे रिलीज करेंगे। 75 करोड़ में बनी हुई पिक्चर Amazon Prime को बहुत ही ज्यादा सस्ते में बेची गई है, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो इन्होंने घाटे का सौदा किया है। मैं भी ये अच्छा डिसीजन हो सकता था, हो सकता है थिएटर में आने के बाद उस पिक्चर को कोई देखे ही ना। जब मेकर्स को ही उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑडियंस कैसे अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगी। पर फिलहाल के लिए मैं मानता हूँ कि ये अच्छा डिसीजन है। हो सकता है पिक्चर अगर अच्छी बनी हो लेकिन मेकर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये बुरा डिसीजन भी हो सकता है। और इसी के साथ मैं एक और डिसीजन ले रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करने का। वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी न्यूज मैंने कवर कर दी है। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और वो अगला वीडियो तुमको यही आसपास दिख रहा होगा, फटाफट क्लिक करके देख लो। और अगर तुमको थोड़ी सी भी मेरी वॉइस में कुछ दिक्कत लग रही हो तो भाई मेरा गला खराब है, वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। ये वाला वीडियो देखो क्योंकि ये मैंने पहले शूट कर लिया था तो तब गला ठीक था। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।